हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोगों ने कल बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फाइव अच्छे से कर लिया होगा उसके एनसीईआरटी की के अच्छे से मैंने अंडरलाइनिंग करा के आप लोगों को रीडिंग लगवा दी आज हम क्लास इन तीनों चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है जो क्लास आपके सीई 2024 में पूछा जा सकता है तो स्टार्ट करते हैं क्लास पहले अभी चैप्टर नंबर थर्ड कवर करेंगे उसके बाद रात को चैप्टर नंबर फोर और फिर चैप्टर नंबर फाइव की वीडियोज भी आएगी ठीक है तो सबसे सब पहले क्लास क्वेश्चन वन इसमें ट्वेंटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप सबसे यही क्लास कहूंगा कि कॉपी में एक से लेकर बीस तक नंबरिंग कर लो और देखो कि आउट ऑफ ट्वेंटी आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीआईटी में आप देखना ये लेवल ट्वेल्थ का नहीं है सीई के लेवल का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फोर्सेज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आपको पता है क्लास की जनरल फोर्सेस कौन-कौन से होते हैं इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल लीगल और टेक्नोलॉजिकल सोशल फोर्सेस सॉरी ये जो स्पेसिफिक uh, फोर्सेस होते हैं वो कौन-कौन से हैं क्लास इन्वेस्टर्स कस्टमर्स और कंपटीटर्स तो यानी कि ए बी डी यानी कि क्लास ए बी सॉरी ए बी ई यानी बी ऑप्शन करेक्ट है ए बी ई ओनली डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स इज कंपैरेटिवली हाई इन अमेरिका देन इन इंडिया तो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स पे जो डिपेंडेंसी है वो अमेरिका में ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ किया जाता है और अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है इंडिया में कम है सिर्फ लिमिटेड जगह ही गैजेट्स का यूज़ होता है विच फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ हाईलाइटेड इन द अव स्टेटमेंट देखो जहाँ पे दो कंट्री के दो अलग अलग रीजन की दो एरिया की बात चल रही हो ना क्लास उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविटी तो सेकेंड में क्लास क्या होगा ए रिलेटिविटी इकोनॉमिक environment, environment में क्या क्या चीजें क्लास कवर होंगी तो सबसे पहले क्लास लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो सोशल के अंदर आता है इकोनॉमिकल में नहीं आता तो एक गलत है तो जिन जिन ऑप्शन में ए है ना उन ऑप्शन को हटा दो तो जिन जिन ऑप्शन में ए है उनको हटा दिया आपने तो यही पे क्लास आपको पता है कि तीनों ऑप्शन खत्म हो गए तो ऑब्वियसली क्लास थर्ड क्या होगा सी होगा तो ये ट्रिक बहुत काम आती है मैं अपने लाइव क्लास में बच्चों के बताता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे ना तो बहुत कम समय में वो क्वेश्चन जो आपको पूरा आता है थोड़ा बहुत तो आना चाहिए जैसे ये पाँच पॉइंट है मुझे पहला पता है कि ये नहीं होता इकोनॉमी में तो ये नहीं तो कोई और भी होगा आपको वो पता होगा उस बेसिस पे भी क्लास आप आंसर कर सकते हो तो तीसरे का सी ऑप्शन करेक्ट है चेक कर लेते हैं बी इन्फ्लेशन होता है इन्फ्लेशन रेट इंटरेस्ट रेट होता है कंजप्शन हैबिट तो आता है क्लास सोशल के अंदर डिस्पोजेबल इनकम यानी जो नेशनल इनकम है डिस्पोजेबल इनकम है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है

ए है तो ए दोनों जगह है ठीक है सी बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्लास बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आता है तो सी आता है जबकि यहां पे सी कही नहीं है तो बी भी, भी गलत हो गया इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड में तुम्हें पूरे के पूरे क्लास इस दौरान आपके पेपर से पहले बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे दिखाऊंगा ए सी सही है और डी एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी एक सेकंड एक सेकंड ये तो गलत है ना हाँ ये गलत है डी रेट ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट ये ठीक है तो इसका मतलब क्लास ये डी पॉइंट जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है पांचवे का कोविड नाइनटीन पेंडेमिक हैड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल एंड लेड टू इंक्रीज इन यूज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट डिस्कस इन द कौन सा डायमेंशन की बात चल रही है देखो क्लास लोगों की जो एक्सरसाइजिंग की हैबिट है हैबिट ऑफ पीपल किसके अंदर आता है ये क्लास सोशल के अंदर आता है तो सिक्स का बी ऑप्शन करेक्ट है सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द अव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डैश कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट तो बताओ क्लास किसके अंदर आता है ध्यान से समझना

एलपीजी की हालांकि एलपीजी डिलीटेड पोर्शन था तो मैं तुम्हें करा दूंगा बिफोर एग्जाम नो इश्यू लेकिन आप ध्यान रखना एलपी में क्लास ये पॉइंट जो था एलपी के अंदर ही था लेबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन देखो बिजनेस एनवायरमेंट हैज कंसिस्ट है्यूमरस इंटरलेटेड एंड डायनामिक कंडीशन और फोर्सेस विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड देखो क्लास जिसका पता लगाना ना बड़ा मुश्किल है कि यार इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे क्या पड़ेगा तो ये कौन सा फीचर है क्लास इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स क्या चेंजेस आने वाले हैं और उसका चेंजेस का हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कई बार एक छोटा चेंज हमारे बिजनेस में बड़ा इम्पैक्ट डालता है एंड वाइस एवरसा तो इसको कौन सा फीचर है क्लास ये कॉम्परी सॉरी हो होगा क्लास कॉम्प्लेक्सिटी नाइन क्लास रजत इज रनिंग अ केटरिंग बिजनेस ही प्रोवाइड केटरिंग सर्विसेज। फॉर मैनेजेस ही वॉज इन्फॉर्म बाई अ प्रीस्ट ठीक है एक पुजारी ने बोला टेम्पल के दैट फॉर नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज देर आर नो मैरजेस कोई शादी नहीं है एंड नॉट आर नॉट ऑस्पिज फॉर मैरिज सुटेबल नहीं है बट दैट फॉर टेन डेज देर विल बी अ मेनी मैरिज ड्यू टू गुड ओमन तो एक फेस्टिवल है ओमन फेस्टिवल पता हो गई सारे बच्चों को बताना किस स्टेट में स्टेट में मनाया जाता है हियरिंग दिस रजत स्टार्टेड कलेक्टिंग रॉ मटेरियल सुनना मेरी बात रजत ने क्या किया रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया राइस फ्लोर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसिस एज द प्राइस ऑफ दीज रिसोज लो डिमांड एट प्रेजेंट आईडेंटिफाई द इमोट देखो ये रिसोर्सेज को ही तो अरेंज कर रहा है तो रैपिड चेंजेस नहीं होगा थ्रेड अर्ली वार्निंग सिग्नल नहीं होगा इसका मेन आंसर है सी थोड़ा बहुत हो सकता है बी बट करेक्ट आंसर सी है यानी कि हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस यानी कि रिसोर्सेस को इकट्ठा करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया राइट नेक्स्ट द न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर्ड पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटेस्ट कमिटमेंट जो एलपीजी आने के बाद नई मार्केट बनी ना उसमें लोगों को हाइयर एंड ग्रेटर कमिटमेंट चाहिए यानी जो लोग हैं ना जो मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज है ना वो वेल इन एडवांस चाहिए क्लास मतलब मॉडर्न चाहिए आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी तो एक कौन सी पॉलिसी है क्लास डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पहले ह्यूमन रिसोर्सेज नॉर्मल चल जाते थे अब आपके पास टैलेंट स्किल्स होना चाहिए यही वजह है क्लास आज काफ़ी सारी जगह क्लास लोगों को काम नहीं मिलता पढ़ने लिखने के बाद भी बिकॉज रट्टाफिकेशन मार्क के मार्क के नंबर तो ले आते हैं लेकिन एक्चुअल में जो स्किल्स चाहिए

मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिक्नाइज नीड ऑफ स्मॉल कार इन एनवायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोल इंडिया में पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा था छोटी गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी उसे पहले से पता था तो इसने क्या किया एक तरीके से आइडेंटिफाई किया अपॉर्चुनिटी को फर्स्ट मूव उठा आइडेंटिफाई गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज ठीक है पूरा लिखा नहीं है एडवांटेज इसको क्या बोलते हैं इसका सी ऑप्शन करेक्ट है तो क्वेश्चन कैसे है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आउट ऑफ तुम्हारे कितने सही जा रहे हैं ये भी बताना जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, तो पहले आप आप वीडियो पॉज करा करो और अपने क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करा करो ठीक है नेक्स्ट चूज द कॉम्बिनेशन शोइंग इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्लास फीचर है इंपोर्टेंस क्या है फर्स्ट मो एडवांटेज इंपोर्टेंस है डी है तो डी कहाँ है क्लास डी इन दोनों जगह है अब आते हैं बी बी डायनामिक ये भी फीचर है तो बी तो होगा नहीं इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है डी और ई ई अर्ली वार्निंग सिग्नल तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज फर्स्ट मूवर एडवांटेज फर्स्ट मूवर एडवांटेज और गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल ये दोनों ही क्या है क्लास इंपोर्टेंस है तो वही कह रहा है कौन सा इंपोर्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो ये डी ऑप्शन है ये क्लास इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेक्ट है बाकी सब फीचर्स है अब आपको बताना है क्लास डिमोनिडाइजेशन <clears throat> देखो डिटाइजेशन लाइट इकॉनमी को प्रमोट करता है कैशलेस इकॉनमी ए का फोर्थ ए का फोर्थ कहाँ है क्लास ए का फोर्थ इन दोनों जगह है तो दोनों में से कोई एक सही हो सकता है बट तो आपको और भी पढ़ना है लेबलाइजेशन यानी कि लाइसेंस को खत्म करना बी का फर्स्ट तो देखो ए का फोर्थ हो गया बी का फर्स्ट हो गया अभी अभी इन दोनों जगह सही है नहीं नहीं ये सी हो गया फिर तो ए का फोर्थ हो गया बी का फर्स्ट सी का थर्ड हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकॉनमी इन द वर्ल्ड ठीक है प्राइवेटाइजेशन प्लांट डिसइन्वेस्टमेंट ये सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास फोर्टीन का सी ऑप्शन करेक्ट है न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री हैज क्रिएटेड एन एटमोसफियर ऑफ अनसर्टनिटी एंड फीयर इन दंट्री एजल्ट्राई फ्रूट इन फ्यूचर एंड डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटेड इन दफ देखो तो यहां पर गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो पॉलिटिकल आएगा राइट पॉलिटिकल आएगा तो जहां जहां पॉलिटिकल हो वही सही है तो ये तो काट दो ये तो हटाई दो तो ये सॉरी बी हटा दो ए सी और डी ये तो पॉलिटिकल ठीक है लेकिन उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है तो वो क्या होगा क्लास यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं इंटर रिलेटेडनेस और भी नहीं होगा इसका सही आंसर है इंटर रिलेटेडनेस और पॉलिटिकल तो देखो सरकार के बदलने से ड्राई फ्रूट्स का प्राइस बढ़ा तो ये तो है ना वे एक की वजह से दूसरे पे इंपैक्ट पड़ा तो ये तो इंटर रिलेशन दिख रहा है कहीं ना कहीं और दूसरा एक सरकार की वजह से चेंज हुआ है तो पॉलिटिकल तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सी रहा सी ओनली फिफ्टीन का सी ऑप्शन करेक्ट है सिक्सटीन का ए का क्या होगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट यूज ऑफ लेजर रोबोटिक्स और सिंथेटिक फ्यूल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हेल्थ फिटनेस आ गया सोशल के अंदर स्टेडरी वार्निंग आ गया लीगल के अंदर आउटलेन प्राइवेट तो और पब्लिक सेक्टर ही आ गया इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर तो ए का सेकेंड और बी का थर्ड ए का सेकेंड बी का थर्ड सी का फोर्थ ये ए हो गया क्लास सिक्सटीन का ए ऑप्शन करेक्ट है सेवनटीन पी एनबी टूक ओवर ओरिएटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया टू बिकम द कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट लैंडर तो पी एन बी ने ओरिएंटेशन सॉरी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड इसको टेक ओवर कर लिया तो बताओ क्लास बैंकों का टेक ओवर करना किसके क्लास अंदर आएगा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा ठीक है बैंक किसके अंदर आता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर एटीन चेक करो क्लास और एटीन का आंसर बताओ विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज इज हाईलाइटेड वेन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली इज बिकम डिफिकल्ट टू चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं और इन चेंजेस को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है यानी कि चेंजेस इतने हो रहे हैं कि क्या चेंजेस उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कल को क्या चेंज आएगा देखो वो होता है अनसर्टेनिटी आप अनसर्टेन है आप पता नहीं कर सकते कल को क्या चेंज आएगा बट उस चेंज का आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी और एक चीज की वजह से दूसरे का बिजनेस ग्रो हो रहा है वो आ गया इंटर रिलेटेडनेस और दो पॉइंट क्लास अगर मिलते जुलते हैं एक दूसरे से उसको हम लोग बेसिकली रिलेटिविटी बोल देते हैं नाइनटीन And in class, airline will be able to offer the benefit of lower pricing to customers on sector route due to the decision of Civil Aviation Ministry to remove price cap from August 31, August 2022. This can help an airline to do better performance if they take early decision regarding future course of action and understanding and doing the analysis. फीचर the... है जो नॉट हाईलाइटेड है देखो क्लास इस चीज से परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होगी प्लानिंग पॉलिसी में भी हेल्प मिल रहा है क्लास आपको रिसोर्सेस अरेन्ज करने की बात कहीं नहीं बोला इसने

and rina are, the, are entrepreneurs they notice that every year in the month of november december delhi the capital city of india witnesses poor air quality and rise in pollution level they also observe that nowadays people are more concerned about quality of life and social sensing the need they were the first to bring what is class new pollution market bring a new pollution पॉलिसी या कुछ होगा क्लास यहाँ पे लग रहा है मुझे मिस प्रिंट है बट ऑल्सो इंक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल वेंचर शो मैसिव सक्सेस एंड देर वॉज नो कॉम्प्यूटर देखो कोई कॉम्प्यूटर नहीं है यानी यू आर द फर्स्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज ठीक है तो कहाँ पे है क्लास यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिग्नल नहीं होगा टैपिंग असेंबलिंग नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्लास बिजनेस इन्वायरमेंट इन एबल द फॉर्म द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज डी ऑप्शन करेक्ट है यानी कि पहला मूव आप लोगे बिकॉज आप फर्स्ट थे जो इस चीज को समझ रहे थे इस प्रॉब्लम को समझ रहे थे तो पहला एडवांटेज सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको ही मिलेगा तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है तो आप लोग मुझे बताओ आउट ऑफ ट्वेंटी कितने एम सही गए कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्लास देखो आपको देख ही रहे हो क्लास की गला बिल्कुल मेरा भारी हो रखा है तो माइंड मत करना क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं मुझे बट फिर भी मैं तुम्हें क्लास पूरा रीडेड पोर्शन कराऊंगा बाकी जो भी पोर्शन ऑलरेडी हम लोगों ने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले किया है आप उसको अच्छे से करो यहाँ मुझे बताना क्लास ट्वेंटी में से कितने क्वेश्चन सही है या आंसर है क्लास आप इसका भी स्क्रीन ले सकते हो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास देन टेक केयर बाय बाय और कोशिश करूंगा आज रात कोई प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के भी एम करा दूँ तो हमारे तीन चैप्टर अच्छे से यहाँ कवर हो जाएंगे उसके बाद कल मैं पूरा पार्ट ए अच्छे से खत्म करा दूंगा तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना बोलो अच्छे लगे लाइक जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देन टेक केयर बाय बाय